नमस्कार मैं बलजी ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा ये थर्ड एडिशन है किसका डेज इंग्लिश की बुक का इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन सारे लेटेस्ट वो को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है जिसके आंसर की आ चुकी थी आज से दस पंद्रह दिन पहले उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है इस किताब को इस वो को करने के बाद में इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी सिंप्लीफाइड तरीके से आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है और ये मार्केट में काफी पहले ही ऑलरेडी काफी हिट किताब है दो एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं इसके अंदर क्या है जो सिक्सटी डेज इंग्लिश वो बता रहा हूं मैं ट्वेंटी थाउजेंड इंग्लिश वर्ड्स वो है इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीजिएटली ले सकते हैं पंद्रह दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट आप इसको ले सकते हैं तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे क्या हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल आप सभी का स्वागत है एस एस सी सी एल प्रकल क्लासेस के अंदर मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर ई के बारे में ये प्रीवियस ईयर का पूरा का पूरा सीरीज़ चल रहा है और इसमें हम ई वही देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अभी जो बातचीत चलने वाली है वो चलने वाली है सी पी ओ दो हज़ार बाईस टायर वन के अंदर की ठीक है सी पी ओ दो हज़ार बाईस टायर वन में कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे ई के उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे राइट right. इसके अलावा बातचीत की जाए तो देखा जाएगा तो हमने अभी तक तीन हजार एक सौ तिरानबे ईडीएम्स कर रखे हैं ठीक है प्रीवियस ईयर को अगर मैं छोड़ दूं तो तीन हजार एक सौ तिरानवे ईडीएम्स हम ऑलरेडी कर, कर चुके हैं तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रो थ्रो वी, दो वीडियोज ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके जी राइट स्टार्ट कर लेते हैं भाई सेशन को देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन किए हैं थ्री फिफ्टी कितने भाई 350 प्रीवियस ईयर भी हम कर चुके हैं 351 नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा 351 नंबर का क्वेश्चन जरा 살펴보도록 और फरमाएंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा पहला कह रहा कि द एलिफेंट इन द रूम रूम में एलिफेंट का होना द एलिफेंट इन द रूम क्या कहलाएगा बिल्कुल सिंपल है द एलिफेंट इन द रूम कोई रूम है कोई छोटा रूम है बड़ा रूम है अगर उसमें एलिफेंट आ जाए हाथी आ जाए क्या कैसा लगेगा आपको आप बोलोगे ना ट्रबल क्रिएट हो रहा है क्या हो रहा है भाई ट्रबल क्रिएट हो रहा है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है एक बड़ी समस्या बन गई है तो द एलिफेंट इन द रूम मतलब क्या हो गया भाई बिग प्रॉब्लम एवरी वन इज़ इग्नोरिंग और अफ्रेड टू टॉक अबाउट एक ऐसी बड़ी सी समस्या जिसके बारे में हर कोई क्या कर रहा भाई अवॉयड कर रहा बात करना ठीक है अवॉइड कर रहा बातचीत करना कि उसके बारे में बात नहीं करना है या फिर डर रहा है उसके बारे में बात करना उसको बोलते हैं द एलीफेंट इन द रूम बिल्कुल अलग हट के ये आइडियम है आपके लिए तो बिल्कुल अलग हटके ही आप इसको याद भी रखेंगे द एलिफेंट इन द रूम की मीनिंग क्या है बिल्कुल सिंपल है क्या कि एक बड़ी सी समस्या जो आपके पास है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो ध्यान नहीं दे रहे हो उसको बोलते द एलिफेंट इन द रूम अगला क्या है अगला है थ्री फाइव टू टू स्टैंड वंस ग्राउंड मतलब अपनी चीजों को लेके बिल्कुल रिजीड होना क्या रिजीड और क्लियर विद योर ओपिनियन अपनी चीजों को लेके क्या रहना भाई बिल्कुल क्लियर रहना उसको बोलते हैं टू स्टैंड क्या बोलेंगे अपनी स्थिति में बने रहना है ना अपनी स्थिति में बने रहना भी वही बात बोल रहे हैं क्या अपनी स्थिति में बने रहना टू स्टैंड वंस ग्राउंड रिजीड और क्लियर विथ क्या योर ओपिनियन योर पोजिशन राइट डन है

किसी को शर्ट देना <coughs> क्या विलिंग टू डू एनी थिंग टू हेल्प अनादर पर्सन विलिंग टू डू एनी थिंग कुछ भी करने को तैयार होना मतलब जब अपने जिसम का शर्ट उठा के आप किसी को दे दे रहे हो मतलब क्या हुआ आप किसी को कोई भी मदद देने के लिए तैयार हो ठीक है तो विलिंग टू डू एनी थिंग टू हेल्प अनादर पर्सन किसी की मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार होना इज कॉल्ड गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक डन है स्लैप ऑन द रिस्ट होना अ स्लैप ऑन द रिस्ट होने का मीनिंग क्या होगा भाई अ स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब रिस्ट पे रिस्ट पे आपको स्लैप करना मतलब क्या हुआ बिल्कुल सिंपल है सिंपल मतलब है स्लैप ऑन द रिस्ट इज अ वेरी सिंपल मीनिंग क्या बिल्कुल ही आसान सी सजा देना बिल्कुल इजी इजी क्या देना पनिशमेंट देना माइल्ड पनिशमेंट देना माइल्ड पनिशमेंट इजी पनिशमेंट आसान सी सजा की मीनिंग क्या होगी भाई जैसे क्या होता है गांव में

व करा हुआ और आपको सिर्फ इतनी छोटी सी सजा मिल गई है तो उसको बोलते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब एक बड़ी मिस्टेक की छोटी सी सजा को बोलते हैं ठीक है इसी को याद रखो अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट राइट डन है थ्री डबल फाइव कह रहा है अलॉट ऑन वंस प्लेट किसी के प्लेट में बहुत ज्यादा होना मतलब क्या अलॉट टू डू बहुत कुछ होना एक साथ बहुत ज्यादा काम होना अलॉट ऑफ वंस प्लेट मतलब क्या अब आपके प्लेट में बहुत सारी चीजें आ जाए खाने को ठीक है तो आप क्या बोलोगे सारा एक बार में खा जाओगे नहीं पॉसिबल है ना एक एक करके खा पाओगे और वो भी जो खाने वाला ज्यादा वा नहीं हो जो बहुत कम खाता हो उसके लिए वही चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी राइट सो अलॉट ऑन वंस प्लेट का मतलब क्या हैविंग अलॉट ऑफ टास्क टू परफॉर्म हैविंग अलॉट ऑफ टास्क टू परफॉर्म है नाट ऑफ अलॉट ऑन का मतलब किसी के लिए क्या करना भाई बहुत ज्यादा काम क्या किसी के पास बहुत ज्यादा काम होना उसको बोलते हैं अलॉट ऑन वंस प्लेट ना नेक्स्ट कर रहा है क्या टू बी इन टू बी ऑन थिन आइस थिन आइस पे होना थिन आइस जैसे आप कहीं घूमने गए वहाँ पे लेयर बनी हुई है आइस की लेयर बनी हुई है कहीं कहीं पे जो आइस की लेयर है वो कैसी है भाई वो थिक है थिक मतलब क्या थिक है तो थिक मतलब क्या मोटी है जिसकी विथ ज्यादा है है ना वो क्या है भाई मोटी है थिक है और कहीं कहीं पे जो आइस की लेयर है वो क्या है भाई थिन है थिन मतलब क्या है पतली है तो आप कौन से वाले लेयर पे खड़ा होना पसंद करोगे जो थिन है या थिक है तो आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है सर जो थिक है जो मोटी लेयर है हम उस उसपे खड़ा होना पसंद करेंगे क्यों क्योंकि वहां पे हमें कम चांसेस होंगे बहुत ही माइन्यूट चांसेस होंगे कि हम वहां से हमें कोई डेंजर डेंजर मिले कोई खतरा मिले या फिर वो मेरा पैर उसमें धंसे या टूटे या फिर हम अंदर जाएं राइट लेकिन जो थिन एयर है लेकिन जो थिन एयर है ठीक है सॉरी थिन एयर कह रहे हैं जो थिन आइस है वहां पर क्या है भाई वहां पर डेंजर का खतरा डेंजर ज्यादा होगा भाई वो क्या होगा भाई एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी वहां पर डेंजरस सिचुएशन का होना खतरे का होना उसको बोलते हैं क्या टू बी ऑन थिन आइस टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन डेंजरस सिचुएशन कहा होना भाई एक डेंजरस सिचुएशन में रिस्की सिचुएशन में होना इज कॉल्ड टू बी ऑन थिन आइस थ्री फाइव सेवन की अगर बात करें थ्री फाइव सेवन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्या कह रहा है एट अ पुस एट अ पुस मतलब क्या होता है भाई आपने ये सुना होगा कि अगर आपने हमने अगर उस पर्सन को पुश करा, थोड़ करा थोड़ा सा पुश करा थोड़ा मोटिवेट करा तो वो चीज उसके लिए संभव है लेकिन वो करने में बहुत मुश्किल है कोई टास्क का मुश्किल होना लेकिन पॉसिबल होना मुश्किल होना लेकिन पॉसिबल होना कोई चीज मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है ठीक है और वो चीज़ वो पर्सन कर सकता है तो उसको क्या कहते हैं भाई उसको एक पुश दे दो उसको क्या दे दो भाई एक पुश दे दो एक धक्का दे दो ताकि वो काम कर पाए आसानी से मोटिवेटेड हो के वो काम कर पाए तो एट अ पुश की मीनिंग क्या है

नाउ द नेक्स्ट है भाई अलेम एक्सक्यूज है ना अलेम एक्सक्यूज एक ऐसा एक्सक्यूज जिसका होने का कोई मतलब ना हो ठीक है ना एक वीक एक्सक्यूज कह सकते हैं है ना बेकार बहाना वीक एक्सक्यूज अलेम एक्सक्यूज की मीनिंग क्या होगी भाई वीक एक्सक्यूज बहुत ही बेकार बहाना उसको बोलते हैं क्या अलेम एक्सक्यूज ठीक है लेम एक्सक्यूज ठीक है या फिर ऐसे लिख सकते हो हैविंग एन एक्सक्यूज एन एक्सक्यूज

आपका दिल बाहर निकल के चला गया हार्ट गोज आउट टू की मीनिंग क्या हो गई भाई आपका दिल बाहर निकल के चला गया उसको क्या बोलेंगे हार्ट गोज आउट टू अब हार्ट गोज आउट टू दिल बाहर निकलने का मतलब क्या होता है जैसे ही हमें कोई ऐसा दिखता है जो काफी प्रॉब्लम में है ठीक जैसे कैसे आप निकल जाओ फुटपाथ पे बच्चे दिख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे बिना कपड़ों के बिना मतलब चप्पल के है ना बिना जूते के ठीक है ऐसे घूम रहे हैं ठंडी में तो आपका दिल बैठ जाता है अरे यार बेचारे बच्चे हैं ठीक है कोई गरीब बूढ़ा सा इंसान है ठीक है उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा तो आपका दिल बैठ जाता है किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई और आप उसको जानते हो तो आपका दिल बैठ जाता है मतलब आपका दिल बाहर निकल के चला जाता है बाहर निकलने का मतलब होता है क्या कि टू फील सिंपैथी क्या होना भाई हार्ट गोस आउट टू का मतलब मेरा दिल आपके पास चला गया इसका मतलब मैं आपके लिए सिंपेथी रखता हूं सहानुभूति रखता हूँ कोई distressed में है, कोई मुसीबत में है, कोई परेशानी में है कोई डिफिकल्टीज में है। ठीक है तो हार्ट गोज आउट टू का मतलब क्या हो गया भाई सिंपैथी फील करना सिंपैथी फील करना उसके लिए हार्ट गोज आउट कहलाएगा ठीक है easy है easy है इजी इजी भाई हार्ट आउट टू सिंपल सी बात है भाई अगर कोई दुख में होता है तो आपका दिल उसके लिए क्या करता भाई सहानुभूति ही करता है डन टॉफी नोज क्या कहलाता है काफी ऑकवर्ड सा ये idiom है ऑकवर्डनेस होने के साथ साथ काफी स्ट्रेंज सी मीनिंग रखता है टॉफी नोस्ड टॉफी नोस्ड क्या होता है भाई आप भी सोचोगे सर टॉफी नोस्ड मीनिंग कहाँ से आ गया यहाँ पे तो टॉफी नोज का मतलब होता है एरोगेंट पर्सन क्या एरोगेंट पर्सन ठीक है, एरोगेंट पर्सन, ठीक है जिसको लगता है कि दुनिया में या फिर जिस सोसाइटी में वो रहता है उससे बेहतर कोई नहीं है उसको बोलते हैं टॉफी नोस्ट क्या बोलेंगे भाई अ अ पर्सन, पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ हाई सोशल क्लास जिसको ये लगता है वो सबसे हाई सोशल क्लास का इंसान है एंड लुक्स डाउन ऑन पीपल ऑफ लोअर क्लास और क्या भाई जो लोअर क्लास के लोग हैं ठीक है उन पे बिल्कुल ऐसे देखता है कि भाई कंटेम्प्ट के साथ देखता है डिसरिगार्ड के साथ देखता है कि भाई उनकी कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में उनको बोलते हैं क्या टॉफी नोज पर्सन टॉफी नोज पर्सन काफी एरोगेंट पर्सन इजी 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 थ्री ठीक है थ्री क्या कह रहा इन हाई स्प्रीड होना मतलब क्या चीयरफुल होना झील होना क्या झील होना झील या फिर इंथुजियाजम फुल ऑफ इंथुजियाजम बोल सकते हो फुल ऑफ इंथुजियाजम बोल सकते हो इंथुजियाज्म बोल सकते हो फुल ऑफ इंथुजियाजम क्या होता है इन हाई स्प्रिट्स कहलाता है इन हाई स्प्रिट्स चीयरफुल होना जिल होना फुल ऑफ इंथुजियाजम होना इन हाई स्प्रिट्स कहलाएगा जी इजी है नाउ द नेक्स्ट बियर अप करना क्या करना भाई बीयर अप करना बियर अप करना क्या कहलाता है बीयर अप करना भी इजी है किसी को सपोर्ट करना इनकरेज करना समथिंग है ना कोचीज टू सपोर्ट समवन यहां से लिख देता हूं मैं दो तीन बातें टू सपोर्ट समवन क्या है सपोर्ट समवन समवन या फिर सम फैक्ट किसी फैक्ट को सपोर्ट करना या फिर समथिंग कोई बात को किसी चीज को सपोर्ट करना ठीक है उसको भी क्या बोलेंगे उसको भी बियर अप बोलेंगे राइट या फिर या फिर टू इंस्पायर भी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो टू इंस्पायर समथिंग टू इंस्पायर समथिंग कोई चीज को इंस्पायर करना कोई चीज को इंकरेज करना उसको बोलते क्या बियर अप करना क्या बोलेंगे भाई बियर अप करना राइट थ्री सिक्स थ्री कह रहा है अब ब्लैक सीप अब ब्लैक सीप क्या होगा भाई अब ब्लैक सीप बिल्कुल इजी है क्या इजी है ठीक है कि आपका आपके फ्रेंडशिप सर्कल में या आपके रिलेटिव रिलेटिव uh, में या फिर आपके जानने वालों में ठीक है किसी ऐसे इंसान का होना जो आपसे सारे फायदे लेता है सारे फायदा लेता सारे फायदा लेता है और आपके अपोजिशन को जाके उसकी हेल्प करता है ठीक है आपको धोखा देता है मतलब क्या अब मीन्स वॉट डिसग्रेस फॉर द फैमिली परिवार के लिए क्या अपमान की बात होना अब होना कहलाता है जैसे क्या आपका बच्चा है ठीक है आपका बच्चा उसने कुछ ऐसा काम कर दिया ठीक है दूसरी मीनिंग क्या निकल के आगे? आ गया ब्लैक अब की बिल्कुल सिंपल है इजी है अंडरस्टैंड करना अब ब्लैक की दूसरी मीनिंग निकल के आती है एक ऐसा बच्चा होना ठीक है कि वो जो क्या कर कर रहा रहा हो हो भाई चोरी कर या फिर कुछ मिसबिहेवियर कर रहा हो सोसाइटी में जाके और आपकी फैमिली की इज्जत उससे उछल रही वो भी क्या कहलाएगा वो ब्लैक सिप ही कहलाएगा वो भी क्या कहलाएगा भाई अ ब्लैक सीप ही कहलाएगा तो डिस्क्रेस फॉर द फैमिली के लिए यहाँ पे यूज किया हुआ है अ ब्लैक सीप होना राइट अ ब्लैक सी फोना अगली बात कह रहा है क्या द काम बिफोर द स्टॉम तूफान से पहले की शांति अब बोलते हैं ना द काम बिफोर द स्टॉम तूफान से पहले की शांति होना तूफान से पहले की शांति होने की मीनिंग का क्या है भाई अ पीरियड ऑफ अन यूजल ट्रैंक्विलिटी है ना क्या अ पीरियड ऑफ अन मतलब बिल्कुल अजीब सी ट्रैंक्विलिटी है शांति है और स्टेबिलिटी है दैट सीम्स लाइक टू टू

स्टेज तक पहुंच गए फिर आपने क्या किया? थोड़ी सी छोटी मोटी बात को लेके आप उस पर्सन से क्या कर लेते हो भाई तनाव वाली स्थिति पैदा कर लेते हो डिस्प्यूट क्रिएट कर लेते हो ठीक है एनिमोसिटी क्रिएट कर लेते हो एंगर क्रिएट कर लेते हो राइट अब इससे क्या होता है इससे सिर्फ इतनी सी बात होती है कि आप उस चीज को ठीक है क्या कर रहे हो भाई आप उस चीज से दूरियां बढ़ा बढ़ा लेते हो तो आपको उससे क्या मिलेगा भाई आपका नुकसान मिलेगा वापस से आपको हेल्प हेल्प चाहिए तो वो बंदा आपकी नहीं करेगा वही बोल रहा है क्या क्या बर्निंग बर्निंग योर बर्निंग योर ब्रिजेस या बोट अगला क्या है भाई अगला इसी में है इसी से मिलता जुलता बर्निंग योर बोट या बर्निंग वंस बोट बर्निंग योर बोट्स ठीक है अब ध्यान से देखो क्या लिखा है डूइंग समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएसन लेटर यह भी बोलता है कुछ ऐसा कर देना जिसकी वजह से सामान्य स्थिति में वापस जाना असंभव हो बर्निंग योर ब्रिजेज या बर्निंग योर बोर्ड्स कहलाएगा जी ईजी इजी इजी बहुत ईजी अगला है वाइल्ड गोश्त चेज वाइल्ड गोश्त चेज की मीनिंग क्या है वाइल्ड गोश्त चेज की मीनिंग सिंपल है वाइल्ड गोश्त चेज का मतलब आप किसी ऐसी चीज के लिए भाग रहे हो आप किसी ऐसी चीज के लिए एफर्ट लगा रहे हो जो कि बेकार है

नाउ नेक्स्ट थ्री सिक्स सेवन कह रहा है टू मैनी एक्सेस टू ग्राइंड टू मैनी एक्सेस टू ग्राइंड राइट इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जैसे मान लो दो लोग डिस्प्यूट में हैं दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है जैसे आपने वो सुनी होगी कहानी कि दो बंदर बंदरों को रोटी मिली रोटी का टुकड़ा मिला ठीक है और दोनों ने क्या बोला भाई दोनों ने बोला कि हम आधा आधा बांट के खा लेंगे लेकिन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी कि ये ज्यादा है ये ज्यादा है ठीक है फिर वहाँ से बिल्ली जा रही थी बिल्ली ने बोला कि ला भाई इनकी रोटी मैं खा लेती हूँ इनकी रोटी को मैं खा लेती हूँ तो वो आई और उनके बीच में बोली कि भाई आप लोग रुको मैं इसमें आपकी हेल्प कर देती दूँ तो भाई बंदरों के बीच में बिल्ली का क्या काम लेकिन बिल्ली आई क्या करने के लिए भाई उनकी रोटी को लेने के लिए तो उसने वो प्रॉपर वेट वगैरह लाया और उसको वेट करना स्टार्ट करा कि भाई अच्छा इसमें ज़्यादा तो पहले उसको खा लेती थी फिर इसमें ज़्यादा उसको खा लेती थी राइट तो उससे वो उसने सारी रोटियाँ खा ली तो उसी को बोलते हैं टू मेनी एक्सेस टू ग्राइंड अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो तो एक तीसरा आता है हेल्प करने के लिए तो उसका अपना इनर मोटिव होता है कि वो आपकी हेल्प करने आया है तो सिर्फ अपने इनर मोटिव के लिए अपने इनर इंटरेस्ट के लिए कोई किसी की हेल्प करे तो उसको बोलते हैं टू मेनी एक्सेस टू ग्राइंड क्या टू सर्व अपने स्वार्थ की पूर्ति करना कहलाता है टू मेनी एक्सेस टू ग्राइंड टू मेनी एक्सेस टू ग्राइंड इजी इजी बहुत इजी अप इन द एयर होना अप इन द एयर होना मतलब हवा में ऊपर होना हवा में ऊपर मतलब क्या समथिंग दैट इज अन नोन जिसके बारे में हवा में ऊपर आसमान में कोई चीज कोई ऐसी चीज जो आसमान में ऊपर है तो मतलब वो चीज के बारे में हमें आइडिया नहीं है अप इन द एयर का मतलब क्या हो गया भाई समथिंग दैट इज अनोन इन कुछ ऐसा जो पूरी तरह से अनजान हो क्या कहलाएगा अप इन द एयर समथिंग दैट इज अनोन इन नोन इंटायरली डन अप इन द एयर होना अप इन द एयर होना बाय हुक और बाय क्रूक बाय हुक और बाय क्रूक क्या क्या होता है भाई बाय एनी मींस बाय एनी मींस ठीक है बाय एनी मेथड ठीक है या फिर बाई एनी वे किसी भी रास्ते से ठीक है किसी भी तरीके से बाई हुक और क्रुक मैं उसे हासिल करूंगा बाई हुक और क्रुक चाहे जैसे भी हो जाए मैं उसे हासिल करूंगा मैं वो रैंक हासिल करूंगा बाई हुक और क्रुक मैं वो चीज हासिल करूंगा बाई हुक और क्रुक चाहे जो हो जाए मुझे वो हासिल करना ही है बाई हुक और क्रुक कहलाता है ठीक है यूजिंग वट एवर आर नेसेसरी हर वो तरीका अपनाना जो जरूरी है उसको बोलते हैं बाई हुक और बाई क्रुक अगला क्या है वंस इन अ ब्लू मून क्या वंस इन अ ब्लू मून वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है भाई वेरी वेरी रेयर रेयर क्या very rare. बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई रेयर होना जो कभी कभार ही नजर आए उसको क्या बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून बोलते हैं जी क्या वंस इन अ ब्लू मून रेयरली वेरी रेयर वंस इन अ ब्लू मून कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें थ्री सेवेंटी वन क्या कह रहा है भाई थ्री सेवेंटी वन ध्यान से देखो थ्री सेवेंटी वन क्या कह रहा है हैंड एंड ग्लोव होना क्या होना भाई बोल रहा है हैंड एंड ग्लोव होना आप ग्लव्स पहन तो हाथ में दस्ताना जिसको आप बोलते हो राइट तो हैंड और ग्लोव की बात ये कर रहा है कि भाई जो हैंड और आपकी ग्लव है ठीक है वो ग्लव और हैंड के बीच में कोई डिस्टेंस होता है क्या वो बिल्कुल चिपक जाते हैं ना आपके हाथ में जाके राइट तो उनके बीच में कोई दूरी नहीं है कोई डिस्टेंस नहीं है मतलब क्या वेरी इंटीमेट बहुत ही घनिष्ठता होना वेरी क्लोज होना

सीधे आपने वहीं पे मारा बिल्कुल पास से जाके किसी को मारना है ना बिल्कुल उसकी खोपड़ी में ऐसे जाके बिल्कुल पास से जाके मारना उसको बोलते हैं पॉइंट ब्लैंक या शॉट डेड बाय पॉइंट ब्लैंक राइट मतलब बिल्कुल क्लोज शॉट लेना उसको बोलते हैं करीब से गोली मारना शॉट फ्रॉम अप क्लोज बहुत ही क्लोज से क्या मारना भाई गोली मारना पॉइंट ब्लैंक कहलाता है क्या कहलाता है पॉइंट ब्लैंक कहलाता है जी इजी नाउ द नेक्स्ट बात करें एक बार ये आप देख लो ना ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको दिक्कत करे है ना बियर अप मैंने आपको बता ही दिया ऐसे कोई भी ईडीएम नहीं होगा जो आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा होगा सारी बातें इजी हैं सारी बातें बहुत इजी हैं कई बार हो चुकी सारी बातें बहुत इजी हैं जी चलो 373 बियर गार्डन बियर गार्डन गार्डन लगा देने के बाद से अच्छा गार्डन आपने देखा होगा अगर आपने अपने होम टाउन के अंदर अपनी विलेज के अंदर अपने गांव के अंदर कहीं पे भी अगर आपने गार्डन देखा है तो वहाँ पे आपने क्या देखा भाई या तो बर्ड्स आ जाएंगे चिरपिंग करते हुए ठीक है या फिर जो गांव के बच्चे हैं वहाँ चले जाएंगे गांव के लोग चले जाएंगे गर्मी के टाइम पे राइट सो क्या है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है क्या है भाई बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तो बियर गार्डन का मतलब क्या होता है अ प्लेस ऑफ नॉइज़ एंड डिस्टर्बेंस एक ऐसा प्लेस एक ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या हो भाई नॉइज हो और डिस्टरबेंस हो उसको क्या बोलेंगे बियर गार्डन बोलेंगे ठीक है शोर और अशांति वाला स्थान क्या शोर और अशांति वाला स्थान बियर गार्डन कहलाएगा। अ प्लेस ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस अ प्लेस ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस चलो गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर थ्री सेवेंटी फोर क्या कह रहा है गेट ऑन लाइक हाउस ऑन फायर क्या कहलाता है गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर मतलब क्या किसी के साथ अच्छा तालमेल होना किसी के साथ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होना हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग देखो जरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हैविंग अब ये वाला जो एडियम है ये इंपॉर्टेंट बन रहा है क्यों बन रहा है क्योंकि इसकी मीनिंग आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते गेट ऑन लाइक ऑन फायर ऐसा होना चाहिए ऐसा होना कि मतलब क्या हाउस और फायर के बीच में तालमेल होना नहीं भाई ऐसे कुछ तो मीनिंग निकल के आ नहीं रही है तो इसलिए इसको लिखना और याद रखना दोनों जरूरी है बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग विथ समवन

क्लॉक के अगेंस्ट चले गए क्लॉक के अगेंस्ट चले गए अगेंस्ट द क्लॉक क्या इन अ ग्रेट हरी एज फर्स्ट एज पॉसिबल बहुत जल्दी में होना अगेंस्ट द क्लॉक होना मतलब क्या बहुत जल्दबाजी में होना बहुत जल्दी में होना अगेंस्ट द क्लॉक कहलाता इन अ ग्रेट हरी कहलाएगा क्या एज फर्स्ट एज पॉसिबल अगेंस्ट द क्लॉक कहलाएगा बहुत जल्दी में होना अगेंस्ट द क्लॉक अगेंस्ट द क्लॉक इजी बहुत तेज़ी है भाई बड़ी जल्दी में होना गेट अ सेकेंड विंड आप गेट अ सेकेंड विंड बोल लो या फिर गेट अ सेकेंड चांस बोल लो ठीक है गेट अ सेकेंड चांस बोल रहा हूं ठीक है आपको दूसरा मौका मिल रहा है तो आप क्या करोगे भाई आप अपनी पूरी ताकत लगा दोगे पूरी एनर्जी लगा दोगे टू हैव रिन्यूड एनर्जी या फिर री एनर्जाइज योर सेल्फ क्या री एनर्जाइज योर सेल्फ री एनर्जाइज है ना योर सेल्फ खुद को री एनर्जाइज करना या फिर या फिर रीमोटिवेट क्या भाई गेट अ सेकेंड विंड क्या रिन्यूड एनर्जी या री एक्टिवेट योर सेल्फ रिमोटिवेट योर सेल्फ वापस से अपने आप को क्या करना भाई बहुत ज्यादा मोटिवेट करना गेट अ सेकेंड विंड कहलाएगा नाउ द नेक्स्ट की बात करेंगे थ्री डबल सेवन टू स्मेल अ रैट टू स्मेल अ रैट की मीनिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है टू स्मेल अ रैट कैसे बोल सकते हैं जैसे आप अपने घर में इंटर किए आपको स्मेल आई रैट स्मेल आती है जब रैट की तो आप यही सोचते हो ना आपके दिमाग में सबसे पहला डाउट जो क्रिएट होता है कि घर में चूहा मरा है भाई घर में क्या मरा भाई चूहा मरा है सबसे पहला डाउट आपके दिमाग में यही आता है तो टू स्मेल अ रैट की मीनिंग क्या होगी भाई

उसको बोलेंगे टू स्मेल अ रैट क्या बोलेंगे भाई टू स्मेल अ रैट बोलेंगे राइट सो फॉर सो गुड क्या बोल रहा है सो फॉर सो गुड सो फॉर से सो गुड का मतलब क्या थिंग्स आर गोइंग वेल सो फॉर चीजें अभी तक अच्छी चल रही हैं सो फॉर सो गुड जो भी अभी तक हुआ है वो काफी बेहतर हुआ है उसको क्या बोलेंगे सो फॉर सो गुड इजी है इजी है सो फॉर सो गुड नाउ थ्री हैंग इन देयर हैंग इन देर हैंग इन देर मतलब क्या आप कोई भी सिचुएशन में हो कोई भी परिस्थिति में हो कोई भी कंडीशन में हो आपसे बोला जा रहा हैंग इन देर मतलब बी देर जहाँ हो वहीं रहो डोंट क्विट मतलब क्या हैंग इन there की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई अल्टीमेटली जो मीनिंग निकल के आती है वो ये बोलता है डोंट गिव अप क्या बोला डोंट गिव अप बोला या फिर या फिर डोंट क्विट बोला ठीक डिफिकल्ट सिचुएशन कठिन परिस्थिति में बने रहना कठिन परिस्थिति में बने रहना, हैंग इन देयर कहलाता है क्या कहलाता है भाई हैंग इन देयर कहलाता है डोंट गिव अप कहलाता है इजी है डोंट गिव अंडरस्टूड ना, ठीक है लेफ्ट राइट एंड सेंटर लेफ्ट में भी हो राइट right में भी हो सेंटर में भी हो मतलब हर जगह हो है ना हर जगह हो हर, कोई ऐसी चीज जो लेफ्ट में भी हो रही है राइट right में भी हो रही है सेंटर में भी हो रही है हर जगह हो रही है मतलब क्या है हैपनिंग हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस आर टू अ लॉट ऑफ पीपल बहुत सारे प्लेसेस पे होना या बहुत सारे लोगों के साथ होना उसको बोलते हैं क्या लेफ्ट राइट एंड सेंटर एवरीवेयर यू कैन से व्हाट हैपनिंग एवरीवेयर है ना पनिंग everywhere or और विद एवरी पीपल कोई चीज जो हर किसी के साथ हो रही है या हर जगह हो रही है उसको बोलेंगे लेफ्ट राइट एंड सेंटर लेफ्ट राइट एंड सेंटर इजी है चलें आगे सिलसिले को आगे ले चलें चलो जी थ्री एट वन थ्री एट वन कह रहा है, spill the beans. अब की क्या है? आपने बीन्स देखा है बीन्स की सब्जी भी खाई है अगर आप उसको बीन्स को जैसे कुछ ऐसा बीन्स होता है ऐसा कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे बीच में होते हैं वो ठीक है ऐसे ऐसे तो मैंने इसको हटा दिया इस इस वाले लेयर को हटाया तो ये बीन्स दिख जाएंगे ना जो सीड होते हैं बीन्स के वो दिख जाएंगे बिल्कुल आसानी से दिख जाएंगे राइट अगर वो सीड दिख जा रहे हैं आसानी से तो हम क्या बोल रहे हैं भाई उन सीट को हम दिखा रहे हैं ना शो कर रहे हैं ना तो इसका मतलब स्पिल द बिंस मतलब रिवील अ सीक्रेट या फिर रिवील अ ट्रुथ किसी भी ट्रुथ को रिवील करना या सीक्रेट को रिवील करना उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं स्पिल द बिंस क्या बोलेंगे भाई स्पिल द बिंस बोलेंगे चलो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 ठीक है दस बार में से नौ बार वो चीज होती है मतलब क्या है इन मोस्ट ऑफ केसेस क्या इन मोस्ट ऑफ केसेस ज्यादातर केसेस में ज्यादातर या कई सारे सरकम uh, में नाइन टाइम्स आउट ऑफ टेन मतलब क्या नाइन टाइम्स आउट ऑफ टेन के मीनिंग बिल्कुल सिंपल है भाई इन मोस्ट केसेस क्या बोलोगे भाई इन मोस्ट केसेस ज्यादातर मामलों में इजी अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है ही नहीं टू बीट अ रिट्रीट टू बीट अ रिट्रीट की मीनिंग क्या होगी टू बीट अ रिट्रीट बहुत सिंपल मीनिंग देता है ध्यान से देखो क्या देता है टू बीट अ रिट्रीट मतलब टू लिव अ पर्सन इन अनेंशियल फिनेंशियल क्राइसिस और इन अन अ डिफिकल्ट सिचुएशन ठीक है एक तो ये हो गया ठीक है या फिर या फिर टू लीव अ डिफिकल्ट टास्क डिफिकल्ट टास्क और सिचुएशन ठीक है या फिर ये इजी है ठीक है इजी है क्या बोल रहा है भाई टू बीट अट्रेट टू लीव अचुएशन टू लीव अ पर्सन इन अ फिनेंशियल फिनेंशियल क्या क्राइसिस और इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन या टू लीव अ डिफिकल्ट टास्क सिचुएशन टू बीट अट्रीट है ना किसी को मुश्किल परिस्थिति में फाइनेंशियल परिस्थिति मुश्किल फाइनेंशियल परिस्थिति में छोड़ना फाइनेंशियल मतलब क्या पैसे वाली सिचुएशन में ठीक है छोड़ना एक उसको क्या बोलेंगे भाई टू तो बीट अ रिट्रीट बोलेंगे क्या बोलेंगे टू तो बीट अ रिट्रीट किसी को किसी परिस्थिति में छोड़ देना मुश्किल परिस्थिति में छोड़ देना या फिर किसी मुश्किल परिस्थिति को ही छोड़ देना भाई भाई दिक्कत हो रही है पढ़ने में दिक्कत हो रही है समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दो पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं है वो कैब समझ नहीं आ रही तो वो कैब छोड़ दो नहीं भाई छोड़ना नहीं है वही बोल रहा टू बीट अ मतलब मतलब छोड़ देना राइट फेयर 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 वेदर 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 फ्रेंड फ्रेंड अगला क्या है भाई ठीक ठाक मौसम वाला फ्रेंड ऑबियसली बात है ठीक ठाक मौसम वाला फ्रेंड और ठीक ठाक मौसम वाले फ्रेंड को हम क्या बोल सकते हैं बिल्कुल सिंपल बोल सकते हैं ठीक ठाक मौसम वाले फ्रेंड को बिल्कुल सिंपल बोल सकते हैं क्या एक ऐसा दोस्त होना एक ऐसा दोस्त होना जो आपके अच्छे टाइम पे आपके साथ हो और जैसे ही आपका डिफिकल्ट टाइम आता है उसको वो छोड़ के चला जाता है ठीक है सो अब फेयर वेदर फ्रेंड बोलेंगे क्या अ पर्सन नॉट रिलायबल इन डिफिकल्ट टाइम आप डिफिकल्ट टाइम पे उस पर भरोसा ही नहीं कर सकते हो ऐसा फ्रेंड आपका होगा राइट फेयर वेदर फ्रेंड होगा मतलब वो आप जब अच्छे सिचुएशन में हो अच्छी परिस्थिति में होगी तो आपके साथ ही खड़ा आपको मिलेगा उसको बोलेंगे क्या फेयर वेदर फ्रेंड

ठीक है, है करना, ना कि आपने एक लीगल प्रोसेस को इनवैलिड करार दे दिया या करार दे कर दिया है या फिर इग्नोर कर दिया उसको बोलते हैं क्या सेट असाइड करना क्या सिंपल है सेट असाइड टू थ्रो कौशन टू विंड कौशन मतलब अलर्ट या फिर अलर्ट या फिर केयरफुल careful, केयरफुलनेस को आपने कहाँ फेंक दिया है केयरफुलनेस को आपने कहा फेंक दिया हवा में फेंक दिया है टू थ्रो कॉशन टू द विंड क्या अलर्ट या केयरफुलनेस को आपने हवा में फेंक दिया टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो है ना हैविंग नो हैविंग हैविंग नो no केयर बिल्कुल ध्यान नहीं देना इसको भी बोलते हैं क्या टू थ्रो कौशन टू द विंड आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो चीज़ों पे क्या कर रहे हो भाई बिल्कुल जोखिम की चिंता नहीं कर रहे हो बिल्कुल बिना रिस्क लिए बिना रिस्क की चिंता किए आप क्या कर रहे हो भाई काम कर रहे हो उसको बोलते हैं टू थ्रो कौशन इन इन द विंड हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर हिम ठीक है हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट कहते हैं भाई मेरे मेरे मन में ना उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है एक सॉफ्ट स्पॉट है तो सॉफ्ट स्पॉट या सॉफ्ट कॉर्नर मतलब क्या होना भाई किसी के लिए लाइकनेस होना अफेक्शन होना फीलिंग अ लॉट ऑफ अफेक्शन लिखा है ना भाई अफेक्शन मतलब क्या लाइकनेस है ना किसी कोई मतलब आपको किसी किसी की एक्टिविटी या फिर कोई टास्क या कोई फिर कुछ भी वो अच्छा लग रहा है उसको बोलते हैं ठीक है फीलिंग अ लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर वन पर्टिकुलर पर्सन ऑफ एन विदाउट नोइंग वाई ठीक है ना ज्यादातर मामलों में ये पता नहीं होता है क्यों ऐसा हो रहा है कि मुझे वो चीज पसंद आ रहा है या वो इंसान पसंद आ रहा है या उसकी हरकतें पसंद आ रही हैं उसको बोलते हैं हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर हिम इजी है इजी चले आगे चलो बी हार्ड हिट बी हार्ड हिट बी हार्ड हिट क्या कहलाता है भाई किसी दुखद बात से बुरी तरह प्रभावित होना बी हार्ड हिट है ना सीवियरली अफेक्टेड बोल सकते हो क्या अफेक्टेड बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड होना प्रभावित होना उसको बोलते हैं बी हार्ड हिट क्या बी हार्ड हिट सीवियरली अफेक्टेड बाई समथिंग अनप्लीजेंट देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिवियरली अफेक्टेड

सब कुछ ठीक है रेपुटेशन ख़राब नहीं होना चाहिए चाहे अपने घर के लोगों की खुशियों को कुर्बान करेंगे रेपुटेशन खराब नहीं होना चाहिए सरकारी नौकरी क्या है रेपुटेशन का एक वो है भाई पैमाना है यू नो वेरी वेल देट ठीक है अब ब्लैक सिप की मीनिंग हम समझते हैं क्या है भाई अब ब्लैक सिप होना मतलब क्या कि एक फैमिली जिसके चार बच्चे हैं जिसमें चार लड़के हैं ठीक है ठीके? तीन लड़के बिल्कुल अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं सारी चीजें कर रहे हैं एक लड़का क्या है भाई वो घूम रहा है खेल रहा है जुआ खेल रहा है दारू पी रहा है मतलब बस इधर उधर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है राइट और कोई नहीं जान रहा इस बारे में कि वो ऐसी हरकतें कर रहा है तब तक किसी ने देख लिया कि शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है उसने शर्मा जी को बता दिया कि आपका जो सबसे छोटा वाला लड़का है उसको मैंने उस शॉप पे सिगरेट पीते हुए देख लिया उस शॉप पे मैंने गुटखा खाते हुए देख लिया उस शॉप पे मैंने उसको क्या करते हुए ड्रिंक करते हुए देख लिया तो शर्मा जी की नाक कट गई यू नो वेरी वेल दैट ठीक है सो so उन्होंने क्या बोला यू आर अ ब्लैक अक ऑफ माई फैमिली तुम हमारी फैमिली क्या हो शर्मिंदगी के कारण हो अपमान के कारण हो अ डिसग्रेस टू हिज फैमिली ठीक है ना किसी की फैमिली के लिए डिसग्रेस होना अ ब्लैक होना कहलाता है अ ब्लैक होना कहलाता है डन है सिट ऑन द फेंस बहुत बार ये मैंने आपको बताया बहुत अलग अलग तरीके से बताया सिट ऑन द फेंस सिट ऑन द फेंस की मीनिंग क्या है भाई आप इस फेंस पे बैठे हो ये आपके लिए फेंस है भाई क्या है फेंस ठीक है फेंस है अब फेंस होता क्या है भाई वॉल होता है फेंस क्या होता है भाई वॉल है आप इधर कहीं पे बैठे हो आप इधर कहीं पे कहीं बैठो एंड यू आर वेरी कंफ्यूज कि आपको इस साइड जाना है या इस साइड जाना है ठीक है अब मान लो कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है ठीक है आपको ए का फेवर लेना है या बी का फेवर लेना है किसी डिस्प्यूट में उसको भी बोलते हैं सिट ऑन द फेंस मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या फैसला करना है क्या डिसीजन लेना है मतलब यू आर इन अ के भाई Chaos में हो कन्फ्यूजन में हो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टूड कि भाई चीजें कैसे करनी है उसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस होना क्या होना भाई सिट ऑन द फेंस क्या लिखा है अ परसंस लैक ऑफ डिसिसिवनेस डिसिसिवनेस मतलब क्या डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी ठीक है डिसिसिवनेस को क्या बोलते हैं डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी तो बोल रहा है अ पर्सनस लैक ऑफ डिसिसिवनेस डिसीजन लेने की क्या भाई कैपेबिलिटी की कमी की वजह से किसी पर्सन के न्यूट्रेलिटी और टू चूज बिटवीन टू साइड इन एन आर्गूमेंट और कॉम्पिटिशन भाई मैं किसका फेवर लू किसका फेवर लूं कि भाई कौन सही है कौन गलत है तो उसको बोलता है सिट ऑन द फेंस होना ठीक है इन अ नट सेल इन अ नट सेल मतलब क्या इन समरी In summary, in a nutshell, in summary, बिल्कुल summary में, बिल्कुल में, है है ना, ठीक उसको समराइज वे में इनसेल कहलाता है बिल्कुल वे वे में, laconic वे में, जिसको आप बिल्कुल आराम से कह पाओ उसको बोलते हैं इनसेल क्या बोलेंगे भाई? In a nutshell, briefly, easy. Go round in circles. गो राउंड इन सर्कल्स गो राउंड इन सर्कल्स क्या होता है गो राउंड इन सर्कल्स मतलब क्या मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्गूमेंट और डिस्कशन गो राउंड इन सर्कल्स आप कोई भी प्रोग्रेस नहीं बना पा रहे हो ठीक है कोई भी प्रोग्रेस नहीं बना पा रहा मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्गोमेंट और डिस्कशन गो राउंड इन सर्कल कहलाएगा क्या गो राउंड इन सर्कल्स कहलाता मेक नो प्रोग्रेस इन एन और डिस्कशन मतलब क्या आप ऐसे ऐसे घूमते जा रहे हो सर्कल में घूमते जा रहे हो आप कोई भी मतलब एक कह सकते हो ना कि आ वेन आ या फिर ये बोल सकते हो अन अटेम्प्ट बोल सकते हो इसको भी अवेन अटेम्प्ट मतलब आपने कोई मतलब एक निरर्थक प्रयास कर रो जब कोई भी रिजल्ट पे आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो सिंपल सी बात है कि एक निरर्थक प्रयास करो एक क्या असफल प्रयास करोन वेन अटेम्प्ट वेन का मतलब क्या होता है भाई असफल प्रयास करना तो उसको क्या बोलोगे गो राउंड इन सर्कल्स ठीक है कि जब आप रिजल्ट पे पहुंच ही नहीं रहो मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्गुमेंट और डिस्कशन तो क्या होगा भाई क्या होगा वेन अटेम्प्ट होगा गो राउंड इन सर्कल्स राइट थ्री नाइन थ्री कह रहा पेड अ फ्लाइंग विजिट पेड अ फ्लाइंग विजिट उड़ते उड़ते पहुंच गए टुक अ क्विक ट्रिप है ना बहुत ही कम समय के लिए निरीक्षण भेंट मतलब क्या आप बहुत ही थोड़े सा टाइम के लिए कहीं पे गए हो टुक अ क्विक ट्रिप बहुत ही थोड़े टाइम के लिए कहीं पे गए हो तो आपने क्या किया पेड अ फ्लाइंग विजिट करा इन सेवेंथ हैवन या फिर ऑन क्लाउड नाइन ऑन क्लाउड नाइन ठीक है या फिर ऑन क्लाउड नाइन या फिर इन सेवेंथ है होना या फिर क्लाउड नाइन में होना इसका मतलब क्या होना भाई एक्सट्रीमली हैप्पी होना क्या बोलते हो

ये बात समझ आ गई पक्की पक्की बात चलो जी 95 कह रहा है क्या है ना एज गोल्ड गुड एज गोल्ड मतलब किसी किसी के लिए बोला कि बहुत ज्यादा प्योर है वो बहुत ज्यादा प्योर है मतलब ओवरली सबमिसिव है एज गुड एज गोल्ड है ठीक है जितना गोल्ड होता है जैसा गोल्ड होता है वैसे ही उतना ही खरा है उतना ही अच्छा है ये बात किसको बोली जाती है सोसाइटी के अंदर जरा सोच के बताना किसको बोली जाती है एक ऐसे इंसान को एक ऐसे बच्चे को जो क्या करता हो वो सोसाइटी की सारी आंटी जो होती हैं मोहल्ले की सारी आंटी होती हैं उनका कहना मानता हो घर में सबका कहना मानता हो बोल दिया गया कि तुझे डॉक्टर ही बनना है तो सिर्फ डॉक्टर बनने का ख्वाब दे तो दे, देख रहा हो तुझे इंजीनियर है तुझे इंजीनियर बनना तो इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहा हो ठीक है तुझे इधर उधर नहीं देखना है, बाहरी बच्चों से बात नहीं करना तो वो वैसा करो। मतलब क्या कि जैसा पेरेंट्स ने बोला जैसा सोसाइटी ने बोला वो वैसा ही कर रहा उसके अपने कुछ पैसन नहीं है कुछ भी ख्वाब नहीं है कुछ भी दुनिया नहीं है एज गुड एज गोल्ड हो जाता है वो मतलब क्या अ पर्सन हु इज ओबीडियंट एंड वेल बी है ना अ पर्सन इज Obedient and well -behaved. जैसे आपकी मोहल्ले की, की आंटी ने बोला लल्ला इंजीनियर बनने में बड़ा अब वो है इसको पर, आपने बोला नहीं मेरे को तो टीचर ही बनना है नाक कटाएगा जी ठीक है तो उसको बोलते हैं क्या एज गुड गोल्ड मतलब जो क्या हो बहुत ज्यादा क्या हो भाई संस्कारी हो उसको बोले क्या एज गुड एज गोल्ड अगला है थ्री नाइन सिक्स केम अप

टू जज अ बुक बाई इट्स कवर मतलब क्या हो गया भाई किसी को उसके आउटवर्ड अपियरेंस की वजह से जज करना जैसे क्या कोई कोई ऐसा आपको दिखेगा टू बी वेरी फ्रेंक ये कॉमन एग्जाम्पल है आपने, आपने अपनी लाइफ में बहुत बार ये देखा होगा बिल्कुल सिंपल सा कॉमन सा एग्जाम्पल है जैसे मैंने क्या मैंने बहुत बार ये ऑब्जर्व करा है कि कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही अच्छा गुड लुकिंग हैंडसम टॉल सिक्स फुटा इंसान छः फुटा इंसान ठीक है जिसकी सिक्स

ठीक है भाई क्या लड़की है ठीक है ऐसा आपने बोला ठीक है और जैसे ही ऐसा बोला आपने और जैसे आपकी उससे बातचीत हुई उसने मतलब अपने दांत जब खोले ना दांत है ना वो पान चबाते हुए दांत ठीक है फिर आपने जो ये ऐसे आउटवर्ड पे आपने देख के उसको जज कर लिया था भाई कितना अच्छा है वो कितना बुरे में तब्दील हो गया आपको पता नहीं है तो टू जज अ बुक बाय इट्स कवर की मीनिंग क्या होती है बिल्कुल सिंपल होती है टू जज अ बुक बाय इट्स कवर टू इवेल्युएट पीपल्स वर्थ है ना लोगों की वर्थ कि वो कितनी कितना वैल्यूएल लोगों लोगों की वर्थ टू पीपल्स वर्थ देयर आउटवर्ड लोगों के बाहरी रंग रूप से उनकी अहमियत को तय करना है ना लोगों के बाहरी रंग रूप से लोगों के व्यवहार से उनकी अहमियत को तंग क्या करना भाई तय करना उसको बोलते टू जज हमेशा ये बोला जाता है डोन्ट जज अ बुक बाय इट्स कवर है ना पता नहीं बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है सिर्फ कवर बहुत अच्छा लगा हुआ है सिर्फ इसकी वजह से नहीं कि वो बुक अच्छी होगी गट द पॉइंटर ठीक है सिंपल है hold your horses ये idiom बहुत बार पूछा है और बहुत तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाता है होल्ड योर हॉर्सेस को राइट होल्ड योर हॉर्सेस को ये चीज ध्यान देना अब होल्ड योर हॉर्सेस की मीनिंग क्या निकल के आती है क्या टू टेल समवन टू स्टॉप एंड कंसीडर केयरफुली ध्यान से सुनो कोई इंसान है जो सिर्फ अपनी बात रखते जा रहा रखते जा रहा है कोई मीटिंग के अंदर कोई इंसान अपनी बात लगातार रखते जा रहा है आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है इग्नोर कर दे रहा है, है ना लगातार बोले जा रहा है लगातार बोले जा रहा है बिल्कुल किसी और की बात सुनी नहीं रहा है तो आप क्या बोलते होल्ड योर हॉर्सेज अपने जुबान को लगाम दो या अपने घोड़े को लगाम दो एक बार रुको सोचो समझो फिर बोलो इसलिए बोलते हैं क्या होल्ड योर हॉर्सेज जो जो है कर रहे हो ना उसमें तो या फिर कोई लगातार काम किए जा रहा आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा तो भी आप ये बोलते हो होल्ड योर हॉर्सेज मतलब क्या टू टेल सम वन टू स्टॉप एंड कंसिडर केयरफुली कि ध्यान से सोच समझ के बोलना किसी चीज़ पर कुछ पल के लिए ध्यान से सोचना उसको बोलते हैं क्या होल्ड योर हॉर्सेज क्या बोलेंगे भाई होल्ड योर हॉर्सेज थ्री डबल नाइन वेट ब्लैंकेट वेट ब्लैंकेट है ना या फिर रेन ऑन रेन ऑन परेड समवंश परेड ये भी तो कराया है आपको रेन ऑन सम परेड ये कराया है ना रेन ऑन सम परेड ठीक है इसी को यहां पे बोल रहा है क्या वेट ब्लैंकेट किसी के ऊपर वेट ब्लैंकेट डाल दो ठंडी का मौसम है ठीक है किसी ने अपनी गर्म ब्लैंकेट ओढ़ के बैठे हैं कवर करके खुद को बैठा हुआ आपने उसका वो वार्म गर्म वाला ब्लैंकेट हटाया और ठंडा ब्लैंकेट उस पर डाल दिया तो भाई कैसा लगेगा तो वेट ब्लैंकेट की मीनिंग क्या हो गई भाई वन हु हुयस अदर पीपल्स फन जो दूसरों के फन को खराब करता हो क्या करता हो भाई दूसरों के मज़ा को खराब करता हो फन को खराब करता हो उसको बोलते क्या वेट ब्लैंकेट या फिर रेन ऑन समेड वन हु अदर्स पीपल्स फन इजी इजी बहुत इजी कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कि कब हमें बिल्कुल रिग्रेस तरीके से बात करना है कब हमें बिल्कुल गुस्से में बात करना है और कब हमें पोलाइट होकर बात करना है ठीक है ना एक ऐसा अप्रोच ठीक है एक ऐसा अप्रोच मिक्स मिक्सर ऑफ व्हाट रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट है ना जैसे क्या ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है छोटे बच्चे के साथ जब बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसके साथ गुस्से से बात करनी गुस्से से इन देंस दे मतलब बिल्कुल स्टिक लेकर आना है उसको डराना है धमकाना है कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है वो हो गया कैरेट एंड वो हो गया स्टिक ठीक है और बच्चा अब खाना नहीं खा रहा है तो उसको प्यार से खाना खिलाना या फिर कुछ और कराना जो भी वो एक्टिविटी सीखना चाहता है तो उसके साथ वो कुछ अच्छा कर लिया है ना क्लास में बहुत अच्छा क्या परफॉर्मेंस ला दिया या कोई नई चीज़ सीख लिया तो आपने उसको कुछ रिवॉर्ड दे दिया कुछ रिवॉर्ड दिया। तो उसको बोलते क्या Carrot and stick approach. क्या बोलेंगे so ये ये हमने करे कितने 400 idioms की 400 की की लेवल अब इन इन के बाद से आपको एहसास हो गया होगा कि अभी तक इन 400 तक की बात मैं कर रहा सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 पंद्रह ही आपको टू बी वेरी फ्रैंक 10 टू आपको ऐसे दिखे होंगे जो क्या रहे होंगे मान लेता हूँ या 25 मान लेता हूँ 400 तक पहुँच गए ना 25 फाइव मान लेता हूँ कि आपको ऐसे दिखे होंगे तो थोड़े से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट रहे होंगे है ना कि आप आपकी नजर उस पर कभी गई ही नहीं होगी तो भाई 400 में से 25 मिल रहा है तो भाई समझ रहे हो ना ठीक है तो ये जरूरी है कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर दो प्रैक्टिस इज द की राइट